जय श्राम स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड अ नॉर्मल लाइन टू लेवल सरफेस, इन दोनों को हम कैसे फाइंड करेंगे कोई भी फंक्शन का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे फाइंड करेंगे एंड नॉर्मल लाइन टू लेवल सरफेस इसको कैसे फाइंड करेंगे सो so, फर्स्ट हम देखेंगे सो so, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट आप सबको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एंड वीडियोस को लाइक करना ना भूलें सो so, अब हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द टेंट प्लेन एट पी एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो पॉइंट पर टू द सरफेस एस गिवन बाय आपको ये सरफेस दे रखा है जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई सो आपको क्या फाइंड करना है ट्रांजेंट प्लेन फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द ट्रांजेंट प्लेन फाइंड करना है एट पी एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो पॉइंट पर इसी पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द टेंट प्लेन कौन से सरफेस पर जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई सो इसका जो कि इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ टेंट प्लेन का जो कि जनरल इक्वेशन है जेड जेड माइनस जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो एफ एक्स एक्स जीरो वाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो प्लस एफ वाई एक्स जीरो वाई जीरो इंटू वाई माइनस वाई जीरो जेड जीरो का वैल्यू क्या है वेल्यू वाई जीरो जेड का वेल्यू जेड जीरो सो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इसी पॉइंट पर क्या हो जाएगा ये सो so, आपको मैं एग्जाम्पल से कंप्लीटली इसको समझा दूंगा सो so, फर्स्ट हम देखेंगे ये जो इक्वेशन है इसको आपको याद रखना पड़ेगा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन ये है इफ द दब इक्वेशन इज रिटर्न इन दम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरोन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन ये जो इक्वेशन को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो अगर इस तरह से हम लिखेंगे देन ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्लेन इसी प्लेन का ये स्टैंडर्ड प्लेन हो जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशन टू नॉर्मल हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जान लिया किया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अब देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इक्वेशन टू नॉर्मल एट पी एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो पॉइंट पर आपको इसी पॉइंट पर पी एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो पॉइंट पर आपको नॉर्मल लाइन फाइंड करना है देन आपका ये इक्वेशन हो जाएगा X माइनस एक्स जीरो बाई एफ एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई जीरो बाई एफ वाई इक्वल टू जेड माइनस जेड जीरो बाई एफ जेड और एक बात इसमें आपका Z इक्वल टू एफ एक्स वाई नहीं है इसमें आपका थ्री वेरिएबल वाला फंक्शन जो कि एफ एक्स वाई जेड है ये था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ये नॉर्मल लाइन का ये इक्वेशन है एंड और एक बात है कि इसमें जो कि फंक्शन है वो थ्री वेरिएबल वाला है मैंने जिस जो पहले बताया है जो की इक्वेशन है वो थ्री वेरिए थ्री वेरिएबल वाला है जिसमें फर्स्ट आपने देखा होगा जो कि इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड आपका टेंजेंट इक्वेशन जो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन इसमें आपका जेडिकोल्ड एफेक्स वाइथ था बट इसमें आपका एफेक्स वाइजेड ये फंक्शन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा सो so, ये देखिए ये हो जाएगा ये क्या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि एफ एक्स क्या है एफ वाई क्या है एंड एफ जेड क्या है ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसका फंक्शन एफ एक्स वाई जेड का उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे क्या दे रखा है देखिए फाइंड एन इक्वेशन फॉर टेंजेंट प्लेन टू दर्फेस एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई आपको इक्वेशन फॉर टैंजेंट प्लेन फाइंड करना है कौन से सरफेस पर एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इसी सरफेस पर आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट प्लेन फाइंड करना है कौन से पॉइंट पर पी जीरो जीरो टू फोर इसमें एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू टू एंड जेड इक्वल टू फोर सो इसमें आपको फाइंड करना है इक्वेशन फॉर टैंजेंट प्लेन मैंने अभी बताया है कि ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है सो so, इसको हम यूज करेंगे We have function हम फर्स्ट लिख लिख देंगे वी हैव एफ एक्स वाईक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई देन आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स का मतलब फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि वाई कंस्टेंट है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कंस्टेंट हो जाएगा सो साइन एक्स वाई क्या हो जाएगा साइन एक्स वाई का हो जाएगा वाई इंटू कॉस एक्स वाई क्योंकि साइन एक्स एक्स वाई को अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरें डिफरेंशिएशन करेंगे देन साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स वाई साइन एक्स वाई का हो जाएगा कॉस एक्स वाई एंड अगेन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से यह हो जाएगा वाई सो ये हो जाएगा वाई इंटू कॉस एक्स वाई एंड आपको फिर से भी फाइंड करना है एट पॉइंट जीरो टू फोर आपका वेन जो इक्वेशन है इसमें आपको एक्स जीरो वाई जीरो पॉइंट पर एफ एक्स का वैल्यू एक्स जीरो वाई जीरो पॉइंट पर वाई एफ वाई का वैल्यू फाइंड करना है सो so, मैंने इसमें डायरेक्टली फर्स्ट फाइन कर दिया है एफ एक्स जीरो टू हमने फर्स्ट एफ एक्स फाइन कर दिया उसके बाद एफ एक्स जीरो टू मतलब एक्सरो वाई जीरो पॉइंट पर एफ एक्स का क्या वैल्यू है हमने फाइन कर दिया जो कि निकल गया टू एक्स का वैल्यू आपको टू जीरो पुट करना है एंड वाई का वैल्यू टू पुट करना है पुट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा क्या एफ एक्स जीरो टू का वैल्यू हो जाएगा टू उसी तरह आपको एफ वाई फाइन करना है एफ आई फाइन करने के बाद एक्स जीरो वाई ज़ीरो पॉइंट पर एफ वाई ज़ीरो टू का वैल्यू क्या है आपको फाइन करना है उसके बाद आपको डायरेक्टली इक्वेशन को पुट कर लेना है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन इज जेड माइनस जेड जीरो क्वल टू एफ एक्स एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू वाई माइनस वाई डायरेक्टली यहाँ क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं सो so, हम देखिए वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे जेड माइनस फोर देखिए जेड माइनस जेड जीरो था जेड माइनस जेड जीरो सो जेड माइनस जेड जीरो आपका क्या था फोर था सो जेड माइनस फोर इक्वल टू एफ एक्स एक्स जीरो वाई जीरो मतलब एफ एक्स का वैल्यू एट पॉइंट एक्सरो वाई जीरो पर इसका वैल्यू आ जाएगा टू इंटू एक्स आपको उसी तरह से रखना है एक्स माइनस एक्स जीरो का वैल्यू क्या है जीरो है सो टू इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस एफ वाई एक्स जीरो वाई जीरो पॉइंट पर क्या हो जाएगा फोर सो फोर इंटू वाई माइनस वाई जीरो वाई जीरो आपका क्या है टू है सो फोर इंटू वाई माइनस टू उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे जेड माइनस फोर इक्वल टू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो हो जाएगा टू एक्स टू इंटू जीरो लिख दिया है बट आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा किसका टेंजेंट प्लेन का उसके बाद अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है आपको जेड को राइट right साइड लेना है जो कि ये प्लस था यहां आकर माइनस हो जाएगा माइनस फोर आ गया फोर इंटू वाई ये फोर वाई हो गया फोर इंटू टू ये हो जाएगा माइनस एट इसमें फोर है अगर उसको राइट साइड लाएंगे देन ये प्लस हो जाएगा जो कि माइनस फोर माइनस एट प्लस फोर ये हो जाएगा माइनस फोर यह आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो कि मैंने फर्स्ट बताया था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म सो सिमिलरली आपको क्या करना है नॉर्मल लाइन के लिए आप भी फाइंड कर सकते हो क्या इक्वेशन फाइंड कर सकते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन सो इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन रखे होंगे उसको सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है सो थैंक यू स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मै चैनल थैंक यू